आज मैं मेरे गुजरात से एक और ढोकला की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और ये वाला जो ढोकला है ये आयरन एंड प्रोटीन से भरपूर है। हम आज बना रहे हैं मूंग दाल एंड पालक का ढोकला। तो मूंग दाल एंड पालक ढोकला बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक कप ये छिलके वाली मूंग की दाल ली है। इसकी जगह पे आप साबुत वाली मूंग भी ले सकते हो। एंड जस्ट 1/4 कप जितना ही चावल लिया हुआ है। अब ये दाल और चावल को मैंने अच्छे से धो के कम से कम 3 से 4 घंटे के लिए भिगा दिया है। तो चलिए सबसे पहले हम ढोकला का बैटर बनाते हैं। एक मिक्सर जार में मैं ये भिगाए हुए दाल और चावल ले लेती हूँ और अब मैं ऐड कर देती हूँ 1 बंच जितनी ब्लांच की हुई पालक। अभी पालक को ब्लांच करना बहुत ही आसान है। उबलता हुए पानी में पालक के पत्ते को बस 10 सेकेंड रखना है और तुरंत ही निकाल के एकदम आइस कोल्ड पानी में उसको छोड़ देना है। और अब ऐड कर देते हैं फ्रेश वाली मिर्ची, अदरक एंड धनिया। अभी आपको ढोकला में लहसुन अच्छा लगता है तो आप लहसुन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब थोड़ा सा पानी ऐड करके मिक्सचर को पीस लेंगे। ढोकला का बैटर तो पीस के रेडी है, एक बोल में निकाल लेते हैं। अब ये ढोकला के मिक्सचर में मैं ऐड कर देती हूँ नमक। जिस प्लेट में हमें ढोकला बनाना है पहले हम उस प्लेट को ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करती हूँ। ढोकला में जो एरेशन होता है, जो स्पॉन्जीनेस ढोकला की होती है, वो जनरली फर्मेंटेशन से आती है। अभी आप चाहो तो नेचुरल फर्मेंटेशन से भी वो ढोकला स्पॉन्जी बना सकते हो, पर उसके लिए बैटर को ओवरनाइट छोड़ना पड़ता है। या फिर आज जैसे मैं बना रही हूँ इंस्टेंट वाले ढोकला, वैसे भी कर सकते हो। तो उसके लिए मुझे बैटर में ऐड करना पड़ता है फ्रूट सॉल्ट, जिसको हम जनरली इनो कहते हैं। तो आज ये जो मेजरमेंट से मैंने बैटर बनाया है, ये बैटर में पूरा ये एक छोटा पाउच इनो का जाता है। पर अभी आप देखेंगे कि ये थाली मेरी बहुत छोटी है और ये पूरा का पूरा बैटर इसमें नहीं आएगा। तो इस स्टेज पे मैं ये बैटर को हाफ कर देती हूँ और हाफ करने के बाद ये इनो के पाउच को भी हमें हाफ करना पड़ेगा। तो अभी हम हाफ बैटर का उसमें हाफ पाउच इनो ऐड करके एक थाली का ढोकला बनाएंगे और फिर दूसरा पार्ट में वापस आधा पाउच इनो का ऐड करके वापस उसका ढोकला बनाएंगे। और ढोकला में जब भी आप इनो ऐड करने वाले हो उससे पहले स्टीमर आपका एकदम पाइपिंग हॉट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब ये इनो में बैटर में ऐड कर देती हूँ और बैटर में ऐड करने के बाद तुरंत ही हम इसको स्टीम करने के लिए रख लेंगे। बैटर को हम ग्रीस की हुई प्लेट में फैला देते हैं, ऊपर से थोड़ा सा मिर्ची पाउडर स्प्रिंकल कर देंगे और बस अब ये ढोकला को तुरंत ही हम स्टीम करने के लिए रख देंगे। और ढोकला जब भी मैं स्टीम करती हूँ इस तरह से ढक्कन पे एक कपड़ा लगा देती हूँ ताकि जो स्टीम करते वक्त पानी है वो ढोकला पे ना गिरे। अब ये ढोकला को हाई फ्लेम पे हम स्टीम करेंगे अप्रॉक्सीमेटली 20 मिनट के लिए। चलिए एक बार ढोकला को चेक कर लेते हैं। ढोकला तो एकदम रेडी है, इसको निकाल लेते हैं स्टीमर से। जब तक कि ढोकला ठंडा होता है तब तक उसका तड़का तैयार करते हैं। उसके लिए हम पैन में ले लेते हैं थोड़ा सा ऑयल। ऑयल में ऐड कर देते हैं थोड़ी सी राई, थोड़े से सफ़ेद वाले तिल, कड़ी पत्ता एंड हींग। चलिए तड़का तो बनके रेडी है, इसको पोर कर देते हैं ढोकला के ऊपर। अब ये ढोकला को मैं कट कर लेती हूँ। ढोकला के ऊपर मैं थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर देती हूँ और डालेंगे फ्रेश कोकोनट, ये टोटली ऑप्शनल है। तो लीजिए आयरन एंड प्रोटीन से भरपूर गर्मा गर्म मज़ेदार से ढोकला तो बनके रेडी है। मज्जा पड़ी गई, मुझे लगा कि एक गुजराती ने ढोकला मिली गया ना, बीजू कसूज ना जो यार।